देखो कमिटी का हम सीधा तुमको बता रहे हैं, ठीक है, कमिटी का हम वहां से कंपेयर कर दे रहे हैं, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। हम बता रहे हैं एक ही लाइन में, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, यहाँ ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो तुम ही लोग बोलते जाना कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ये रेगुलेशन नंबर 10 में दिया हुआ है, ठीक है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन रेगुलेशन नंबर 10 में दिया हुआ है, ये जो कमिटी है ये सेक्शन 12 में दिया हुआ है। कमिटी कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 12 में दिया हुआ है। फिर से इसको हम बता देंगे बगल में, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में चीफ इंस्पेक्टर प्लस 5 मेंबर होते हैं, टोटल अगर कंसीडर करेंगे तो 6 मेंबर हैं, तो कमिटी में टोटल 8 मेंबर होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन मेंबर के बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट जो करेगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता है। मीटिंग जो यहाँ पे होता है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में, उसके लिए 10 दिन का नोटिस देना चाहिए। यहाँ पे क्या है, मीटिंग के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, कमिटी में मीटिंग के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। इमरजेंसी मीटिंग अगर बुलाना रहा तो जिस तरीके से बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में इमरजेंसी मीटिंग 2 दिन का नोटिस दे के बुला लिया जाता है, उसी तरीके से कमिटी में भी है, 2 दिन का नोटिस देगा, मीटिंग बुला लिया जाएगा। अगर मीटिंग में मिनिमम मेंबर पूरा नहीं होते, कोरम जो 3 चाहिए, अगर 3 मेंबर नहीं आते हैं कम से कम चेयरमैन को लेके, तो मीटिंग को टाल दिया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कि अगर 4 मेंबर नहीं आते, देखो टोटल 8 मेंबर है, 8 का आधा 4 हो गया, टोटल 6 मेंबर है, 6 का आधा 3 हो गया, ठीक है। मतलब 50% यहाँ मिनिमम कोरम दिया हुआ है, ध्यान रखना। कमिटी में अगर मिनिमम 4 मेंबर नहीं आते हैं चेयरमैन को लेके, तो मीटिंग को 14 दिन के लिए टाल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्या था, मीटिंग को 7 दिन के लिए टाल दिया जाएगा। यहाँ पे भी चेयरमैन को छोड़कर बाकी सारे मेंबर का अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए किया जाता है, इस जगह पे भी वही है। यहाँ पे अगर किसी चीज को मीटिंग में उठाना है, टॉपिक को उठाना है, तो पेपर का सर्कुलेशन किया जाएगा, और कम से कम अगर 2 मेंबर बोलेगा कि हाँ इस टॉपिक को उठाना है मीटिंग में, तो उसको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन कमिटी में क्या बोल रहा है कि कम से कम अगर 3 मेंबर बोलेगा कि कंसिडर करना है सर्कुलेशन ऑफ पेपर में के द्वारा, तो उस चीज को कमिटी में के मीटिंग में कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेन जाता है क्या होता है, यहाँ पे है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी इंफॉर्मेशन के फॉरेन जाता है, तो जिस दिन से वो गया है उसी दिन से मान लिया जाए कि वो रिजाइन दे के गया है। और दूसरा चीज कमिटी में दिया है कि अगर कोई व्यक्ति का प्लानिंग है 6 महीना से ज्यादा समय के लिए फॉरेन में रहने का, विदेश में रहने का, तो फिर उसको मान लिया जाए कि वो अपना रेजिग्नेशन दे कर जा रहा है। और एक चीज इसमें दिया हुआ है कमिटी में जो एक्स्ट्रा है, कि एजेंडा, कि मीटिंग में क्या क्या एजेंडा डिस्कस करना है, क्या क्या करना है, तो उसके लिए 7 दिन पहले नोटिस चला जाएगा, 14 दिन पहले की मीटिंग कहाँ होना है, क्या होना है, उसके बारे में जाएगा कि 14 दिन पहले की मीटिंग होना है, 7 दिन पहले कि मीटिंग में क्या क्या चीज एजेंडा डिस्कस किया जाए, क्या क्या बिजनेस को डिस्पोजल करना है एजेंडा, वो 7 दिन पहले नोटिस देना है, नॉट लेस देन 7 डेज। तो ये एजेंडा वाला एक्स्ट्रा है, और बाकी जितना भी चीज बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में दिया हुआ ने एक एक बढ़ा कर यहाँ दिया हुआ, हम इसको फ्रेश करके लिख ले रहे हैं, मेन यही तुम लोग को एग्जाम के टाइम में काम देगा। हम इधर लिखते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, इधर कमिटी लिखते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में क्या है, चेयरमैन प्लस 5 मेंबर, टोटल 6, तो यहां टोटल 8, ठीक है। दूसरा में क्या है, मीटिंग के लिए जो नोटिस देना है 10 दिन, नॉट लेस देन 10 डेज नोटिस। यहां जो मीटिंग का नोटिस रहेगा नॉट लेस देन 14 डेज। यहां पे क्या है, इमरजेंसी मीटिंग 2 दिन का, नॉट लेस देन 2 डेज, यहां भी 2 डेज है। कोरम मिनिमम कितना मेंबर चाहिए, कोरम
कोरम के लिए किसी भी बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए मिनिमम 3 मेंबर चाहिए, इंक्लूडिंग चेयरमैन, हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम 3 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन, यहाँ मिनिमम 4 मेंबर चाहिए। अगर यहाँ मीटिंग में मिनिमम मेंबर नहीं आते, कोरम फुलफिल नहीं होता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, मीटिंग को 7 दिन के लिए टाल दिया जाएगा, नॉट लेस देन 7, मतलब 7 डेज लेटर, 7 दिन के लिए टाल दिया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मेंबर कोरम पूरा नहीं होता है तो मीटिंग को यहाँ पे 14 दिन के लिए, यहाँ मीटिंग, एक चीज गलत बताएं, ये 10 दिन है, ठीक है, यहाँ पे 10 डेज है, ये 14 डेज के लिए टाल दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि नेक्स्ट मीटिंग में अगर कोरम नहीं भी रहे, कोरम नहीं भी रहे तो मीटिंग कर लेना है, मीटिंग करना है। यहां पे भी क्या है कि अगर 14 दिन के टाल दिया गया है, अगर कोरम नहीं भी रहे तो फिर भी यहां पे भी मीटिंग हो जाएगा। अगर किसी चीज को मीटिंग में उठाना है तो सर्कुलेशन ऑफ पेपर, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ पेपर, तो उस केस में कम से कम 2 मेंबर अगर बोलेगा, हाँ, ये जो 10 दिन पहले मिलता है, ये 10 दिन है, ठीक है, 14 डेज नहीं है, ये 10 डेज का नोटिस मिलता है यहाँ पे, कौन आर्यन बोल रहे हो ना, ये 10 डेज का नोटिस मिलता है किस जगह पे मीटिंग होना है, 2 मेंबर, तो उस चीज को मीटिंग में कंसीडर किया जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ पेपर, ठीक है। नहीं, सेम एज बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन नहीं होगा, चौदह, 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा, हम बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन देख लिए, यहाँ भी 14 है, ये भी 14, ठीक है, दोनों 14 है, हम उधर वाला देख लेते हैं, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ठीक है, दोनों 14 14 ही है, हाँ दोनों 14 है, वो हम मिस्टेक्स उधर देख लिए थे। यहाँ पे क्या है, सर्कुलेशन ऑफ पेपर के द्वारा कम से कम 3 मेंबर अगर बोलेगा तो उस चीज को मीटिंग में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, करेक्शन हो गया, 14 दिन है। सातवां क्या है, यहाँ पे एजेंडा के बारे में इसमें नहीं है, ठीक है, वो जो 10 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा ना, उसी में क्या क्या मीटिंग में डिस्कस करना है, वो एक ही बार स्टार्टिंग में ही सबको बता दिया जाएगा। इसमें बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में कहीं एजेंडा के बारे में नहीं बोला है कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन कमिटी में बोला है कि हाँ 7 दिन पहले, नॉट लेस देन 7 डेज, यहाँ पे उसको बता दिया जाएगा एजेंडा क्या क्या डिस्पोज करना है। यहाँ पे भी चेयरमैन को छोड़ के बाकी सारे मेंबर का, ठीक है, चेयरमैन को छोड़कर बाकी सारे मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है, यहाँ पे भी सेम है 3 साल के लिए। कमिटी में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति बिना इंफॉर्मेशन का, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन अगर विदेश जाता है, फॉरेन जाता है, तो मान लिया जाए कि जिस दिन गया है उसी दिन से वो रिजाइन कर दिया है, ठीक है, जिस दिन से गया उसी दिन से रिजिग्नेशन मान लिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा समय के लिए अब्सेंट रहता है इंडिया से, तो उसको भी मान लिया जाए कि वो अपना रेजिग्नेशन देके जा रहा है, कि वो अपना रेजिग्नेशन देके जा रहा है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का और कमिटी का। अब सब मेंबर के बारे में तुम लोग हम बता दे रहे हैं, कोरम में 7 दिन है, कोरम में 7 दिन कहाँ रहेगा, हाँ यहाँ पे कि बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में कोरम में 7 दिन है, यहाँ पे कोरम में 14 दिन है, ठीक है, ठीक है ना, इतना में कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिए अब कमिटी का, हाँ 14 डेज वाला करेक्शन तो कर ही दिए है ना,
क्वालिफिकेशन पे आते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ क्या होता है, जो चीफ इंस्पेक्टर होता है वो चेयरमैन होता है। और यहां पे क्या होगा, चीफ इंस्पेक्टर चेयरमैन नहीं होगा, क्या बोल रहे राहुल, 10-2 क्या लिख रहे हो तुम तो? ठीक है, ये मेन हो गया, अब तुम लोग को हम बता देते हैं। कमिटी का चेयरमैन कौन होगा? कमिटी का चेयरमैन कौन होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, मतलब नौकरी करने, जो सरकारी नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति होगा, ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, जो चीफ इंस्पेक्टर ना हो, जो चीफ इंस्पेक्टर ना हो, यही पहला है कि जो चीफ इंस्पेक्टर ना हो और सरकारी नौकरी वाला हो, सरकारी नौकरी वाला, और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा वो चेयरमैन के रूप में काम करेगा। तो कमिटी का चेयरमैन कौन होगा? हाँ, बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मीटिंग धनबाद में होगा। कमिटी का है कि ये लोग कहीं भी डिसाइड करेगा, ठीक है। कमिटी का कुछ नहीं दिया हुआ है, कमिटी का मीटिंग का प्लेस फिक्स नहीं है, ठीक है। कमिटी में जो गवर्नमेंट नौकरी करने वाला होगा, सरकारी नौकरी करने वाला, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया करेगा, चीफ इंस्पेक्टर नहीं होगा, उसको चेयरमैन बना दिया जाएगा, उसको चेयरमैन बना दिया जाएगा। अब बाकी क्या है, बी में कौन रहेगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेगा उसके बाद एक मेंबर। बाकी दो लोग कहां से रहेगा, माइनर्स मतलब जो वर्कर लोग काम कर रहा है, मतलब यूनियन वाला, दो लोग कौन रहेगा, यूनियन वाला रहेगा। दो लोग कौन रहेगा, मैनेजमेंट का रहेगा, कि जो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दो लोग। और दो क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स रहेगा, जो नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन द माइनिंग इंडस्ट्री, जो डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं है, और जिसका अपॉइंटमेंट है, मतलब दो क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर रहेगा लेकिन डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री से लेना देना उसका नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो कमेटी में बैठ जाएगा, कहीं किसी, मान लो किसी कंपनी के लिए काम कर रहा है और वो कमेटी में बैठ जाएगा, तो वो अपना कंपनी के लिए, जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है, अगर उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना रहे, वहां कुछ वायलेशन देना रहे, तो वो नहीं देगा, वो बचाने की कोशिश करेगा। तो वही लिखा हुआ है कि दो क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर रहेगा, जो नॉट डायरेक्टली माइनिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड रहेगा, और जिसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ये रहेगा। अब यहाँ पे भी क्या बोलता है, जिस तरीके से वहां ए बी सी डी था ना, कि चार तीन मेंबर वहां से और सी ओ डी से कम से कम एक मेंबर रहेगा, उसी तरीके से यहाँ क्या है कि कम से कम एक मेंबर, कि सी से कम, मतलब दो मेंबर है, कम से कम मीटिंग कमिटी के लिए कम से कम एक मेंबर यहां से रहेगा। शैल बी फॉर द रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द माइनर्स इन कोल माइंस, इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इन कोल माइंस, और एक मेंबर कम से कम यहां से रहेगा। ये तो हो गया कमिटी के लिए ओवरऑल कितना इतना होना चाहिए, लेकिन अगर कोल माइंस का कम से कम अगर बोलेगा, कोल माइंस का मान लो, कोल माइंस हो गया, मेटल माइंस हो गया, कमिटी तो मान लो किसी के लिए बोल सकता है, सिर्फ कोल माइंस तो नहीं बोल सकते ना, सेक्शन जो 1952 है वो तो कोल माइंस बोलो या मेटल माइंस बोलो, सभी जगह माइंस एक्ट लागू होता है, ठीक है। तो उसी के यहाँ पे बोल रहा है कि कम से कम एक व्यक्ति जो सी ओ डी से रहेगा, कम से कम कोल माइंस वाला भी रहेगा, ठीक है। हो सकता है बाकी दूसरा मेटल माइन यूरेनियम वाला रहे, लेकिन कम से कम एक मेंबर यहाँ वाला रहे। तो कमिटी का एक बार हम बता दे रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, लिख के रिपीट कर रहे हैं। कमिटी कमिटी में क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है,
सरकारी नौकरी वाला चीफ इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए, वो चेयरमैन के रूप में काम करेगा, वो चेयरमैन के रूप में काम करेगा। एक ये हो गया, दूसरा में क्या होगा, चीफ इंस्पेक्टर एक मेंबर होगा। तीसरा में क्या दिया हुआ है कि दो मेंबर जो रहेगा यूनियन वाला, जो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, दो मेंबर कौन रहेगा, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंट करने वाला, और मतलब ओनर, माइंस ओनर का रिप्रेजेंट करने वाला। यहाँ ये वर्कर वाला हो गया, या माइनर्स बोल दो, दो कौन रहेगा, ओनर को रिप्रेजेंट करने वाला। और जो दो मेंबर रहेगा, क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर रहेगा, जो नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन माइनिंग इंडस्ट्री, जो नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉयड इन माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। टोटल मेंबर कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो प्लस दो चार, दो छः, और ये दो आठ, टोटल आठ हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ये तीसरा और चौथा से कि एकक व्यक्ति कम से कम दोनों का है ना, कोल माइंस वाला हो, कोल माइंस वाला हो सकता है, मेटल माइंस वाला भी हो सकता है, बाकी दूसरा, कम से कम एकक व्यक्ति दोनों कोल माइंस वाला होना चाहिए। तो ये हो गया कमिटी का डाटा। और बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में जो चीफ इंस्पेक्टर होता है ना, वही चेयरमैन हो जाता है वहां पे, ठीक है। और वहां पे कौन होता है, डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट क्लास मैनेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाला होना चाहिए, रिसर्च और प्लानिंग वाला होना चाहिए, ये मेंबर वहां होता है। ये दोनों से ए बी सी डी जो था, ए बी सी डी से कम 3 मेंबर और सी डी से कम एक मेंबर था वहां पर। पीएससी का मीटिंग में 15 मेंबर होते हैं, ठीक है, पीएससी में 15 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, मेंबर दोनों क्लियर हुआ, दो जो दोनों का अंदर का डाटा है क्लियर हुआ। यहाँ पे भी क्या करेगा, चीफ इंस्पेक्टर जिस तरीके से वहां पर सिलेक्ट करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सेक्रेटरी को, जो एक इंस्पेक्टर रहेगा माइंस का, इसको अपॉइंट कर देगा, बोलेगा तुम सेक्रेटरी के रूप में काम करो। जो बताया थे रेजिग्नेशन का, कि अगर मेंबर मेंबर अदर देन चेयरमैन, चेयरमैन को छोड़कर बाकी सारा मेंबर अगर रिजाइन करना रहे, चेयरमैन को करेगा, और अगर चेयरमैन को रिजाइन करना रहा तो वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजाइन करेगा। सीधा किसको करेगा रिजाइन, सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी देगा। और रिजिग्नेशन, मान लो कोई रिजिग्नेशन अप्लाई किया हुआ है, तो कब से मान लिया जाए कि वो रिजाइन कर चुका है, अगर मान लो ये कोई मेंबर है कमिटी का, कमिटी का कोई मेंबर है, वो चेयरमैन को दे दिया, वो चेयरमैन को एक अपना रिजिग्नेशन लेटर दे कि हमको काम नहीं करना, हम रिजाइन दे रहे हैं। अब चेयरमैन क्या कर रहा है, आ गया लेटर, लेकिन वो कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है, तो क्या करेगा, जैसे 30 दिन एक्सपायर होगा, जैसे 30 दिन एक्सपायर होगा, मान लिया जाए कि चेयरमैन उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है, या अगर चेयरमैन 10 दिन में ही कर लिया एक्सेप्ट, तो 10 दिन मान लिया जाएगा डेट ऑफ रिजिग्नेशन। तो वही है यहाँ पे कि द रिजिग्नेशन जो दिया हुआ है सब रूल वन या सब रूल टू में, वो सेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, कि जिस दिन वो एक्सेप्ट हो रहा है उस दिन उससे माना जाएगा, या एक्सपायरी ऑफ द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिजिग्नेशन, या जिस दिन वो रिजिग्नेशन भेजा हुआ है, अगर वो चेयरमैन उसको देख ही नहीं रहा है, तो जैसे 30 दिन एक्सपायर होगा, मान लिया जाए कि वो अपना रिजाइन दे चुका है, तो दोनों में जो जल्दी आ जाए, या 30 दिन जल्दी आ जाए, या है कि वो 20 दिन में एक्सेप्ट कर ले रहा है चेयरमैन, 10 दिन में एक्सेप्ट कर ले रहा है, या आज अप्लाई कर रहा है कल एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो वो रिजिग्नेशन उसी दिन से मान लिया जाएगा। ऑप्शंस वाला जो बताए थे कि कोई भी मेंबर अगर इंडिया छोड़ेगा तो चेयरमैन को पहले इन्फॉर्म करेगा कि किस दिन वो जा रहा है और किस दिन वो इंडिया आएगा। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम 6 महीना से ज्यादा समय के लिए इंडिया से बाहर रहेंगे, तो मान लिया जाए कि वो अपना रेजिग्नेशन दे के जा रहा है, रेजिग्नेशन, ठीक है, टेंडर हिज रेजिग्नेशन होगा। और अगर कोई मेंबर बिना बताए वो इंडिया से बाहर जा रहा है, तो मान लिया जाए कि जिस दिन वो इंडिया से गया है उस दिन वो अपना रिजाइन दे के गया। वैकेंसी अगर क्रिएट होगा,
अगर चेयरमैन का डेथ हो जाता है, अगर चेयरमैन रिजाइन हो देता है, चेयरमैन के का पोस्ट खाली हो जाता है, तो उस केस में जो बाकी अदर मेंबर, मतलब अदर मेंबर क्या, जो चीफ इंस्पेक्टर रहेगा ना, या इंस्पेक्टर, वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि सर वो जो चेयरमैन साहब थे उनका डेथ हो गया, रिजाइन दे चुके हैं, मतलब डेथ के कारण, रिजाइन नहीं, रिजाइन तो देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगर डेथ हो गया, डेथ हो गया, तो उसके बाद चीफ इंस्पेक्टर जो है इन्फॉर्म करेगा, चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अगर बाकी मेंबर अगर रिजाइन देता है तो चेयरमैन इन्फॉर्म करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बाकी डिस्पोजल ऑफ बिजनेस वगैरह जो भी था वो सारा तुम लोगों को बता ही दिए हैं, 14 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 3 मेंबर कम से कम, मीटिंग के लिए कम से कम 4 मेंबर, है ना। 14 दिन पहले नोटिस देना है, 2 दिन का इमरजेंसी नोटिस में देके मीटिंग बुलाया जा सकता है, कोरम के लिए कम से कम 4 मेंबर होना चाहिए इंक्लूडिंग चेयरमैन। अगर कोरम फुलफिल नहीं होता है तो मीटिंग को 14 दिन के लिए टाल दिया जाएगा, और जो पोस्टपोन मीटिंग रहेगा, अगर उसमें मेंबर कोरम फुलफिल नहीं होता है फिर भी वो मीटिंग को वहां पे जो भी बिजनेस पहले से था टॉपिक डिस्कशन करने का वो डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर सर्कुलेशन ऑफ पेपर के द्वारा कोई चीज मीटिंग में उठाना है तो उस केस में अगर 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति बोलता है तो उस केस में उस चीज को मीटिंग में कंसिडर किया जाएगा। अगर इक्वल वोट होता है तो उस केस में चेयरमैन का डिसीजन फाइनल होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन मतलब कमिटी का जो सेक्रेटरी है वो यहाँ पे भी मिनट्स तैयार करेगा, उसका रिकॉर्ड करेगा। तो बस यही तो है यहाँ पे, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये मेन तुम लोग के सभी के कॉपी में होना चाहिए, और वो मेंबर वाला, क्योंकि तो मेंबर वाला क्या होता है, एग्जाम में जब जाते हो ना वहाँ कंफ्यूज करने लगते हो। कमिटी का मेंबर और ये बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन का मेंबर दोनों मिक्स होने लगता है। ये मेरे साथ भी हुआ था, हम जब फर्स्ट क्लास का एग्जाम देने के लिए गए थे, मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं तो है कि मेरा माइंड में सेट हो जा रहा है, लेकिन जब हम खुद स्टूडेंट, मान लो अभी भी तो हम स्टूडेंट ही हैं बोलते हैं अपने आप को, मान लो हम जब खुद फर्स्ट क्लास से एग्जाम देने के लिए गए हुए थे, जब एग्जाम हॉल में जाके बैठे ना, तो हमको अब बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कौन मेंबर है, कमिटी है कौन मेंबर है, दोनों मिक्स हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो एक वहां पे एक दोस्त था, उसी से हम जाके फिर पूछे कि अरे बताओ थोड़ा अलग अलग करके कौन कौन मेंबर था, तो बताया, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आया नहीं था। कमिटी का सेक्रेटरी कौन होता है, चीफ इंस्पेक्टर है ना, एक इंस्पेक्टर को नॉमिनेट कर लेगा, यहाँ पे भी कमिटी का सेक्रेटरी उसको बना देगा। जिस तरीके से वहां पे भी चीफ इंस्पेक्टर बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में भी क्या करता है, चीफ इंस्पेक्टर ही एक इंस्पेक्टर को नॉमिनेट करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है कि चीफ इंस्पेक्टर एक इंस्पेक्टर को नॉमिनेट कर लेगा।